Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Nasreen's Academy. In today's video I'll be discussing about fistula in ano, its introduction, types and presentation. So basically, first we must know what is a fistula in ano. So according to Bailey and Love's definition, a fistula in ano or anal fistula is a chronic abnormal communication usually lying to some degree of granulation tissue which runs outwards from the anorectal lumen, the internal opening, to an external opening on the skin of the perineum or buttock, or rarely in women to the vagina. Matlab, fistula in ano ek abnormal rasta hai, communication hai, tract hai, jo ki granulation tissue se, unhealthy granulation tissue se lined rehta hai. Aur ye rasta jo hai, jab humare एनोरेक्टल ल्यूमन में इन्फेक्शन की वजह से पस इकट्ठा होके उसको जगह नहीं मिलती निकलने, पस इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, इतना ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है कि उसको निकलने की जगह नहीं मिलती, तो ये एक रास्ता बना लेता है. तो ये जो रास्ता बना के बाहर की ओर आके निकलता है, इसको बोलते हैं फिस्टुला इन एनो. सो दिस फिगर डिपिक्स कि यहाँ पे एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन हुआ, अब ये इंटरनली जाके यहाँ जाके खुला और एक्सटर्नली इसको जहाँ पे रास्ता मिलता है, जहाँ से उसको लेस रेजिस्टेंस फील होता है या रास्ता जहाँ पे मिलता है वहाँ पे वो जाके खुल जाता है. एटियोलॉजी अगेन, जिस तरह से एनोरेक्टल एब्सेस में था ऐसे ही नॉन स्पेसिफिक क्रिप्टोग्रैंडुलर इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन रीजन है 90%. मतलब एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन होना 90% कॉज होता है, 10% अदर कॉज होता है उसके निमोनिक है, जो कि हम याद कर सकते हैं निमोनिक फिस्टुला ही है. एफ स्टैंड्स फॉर फॉरन बॉडी और फिस्टुला कार्सिनोमा और रेक्टल कार्सिनोमा और रेक्टल मेलिग्नेंसी. आई स्टैंड्स फॉर इलियाइटिस, क्रॉन्स डिजीज. एस स्टैंड्स फॉर शिस्टोसोमियासिस. टी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस. यू स्टैंड्स फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस. एल स्टैंड्स फॉर लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम. And A stands for actinomycosis. So these are the reasons, 10% other causes for causing fistula in ano. Classification तीन तरह से है, तीन में से Milligan and Morgan और Golliger इन्होंने जो classification बताई है वो same है, और commonly जो widely used classification है, popular classification है, that is Parkes classification. तो पहले हम देखेंगे Milligan and Morgan and Golliger classification. So in this classification, first one is subcutaneous. जो fistula subcutaneously, मतलब बहुत ही छोटा सा रास्ता subcutaneous plane में बनाता है, तो वो कहलाता है subcutaneous fistula. Second one is submucous, जो कि mucus या mucus layer में बनता है जाके ऊपर dentate line के ऊपर, so that is known as submucous fistula. Third one is low anal, जो कि dentate line के नीचे ही रहता है, तो low anal fistula कहलाता है. फोर्थ वन इज हाई एनल, डेंटेट लाइन के ऊपर रहता है तो हाई एनल कहलाता है. एंड फिफ्थ वन इज पेल्विरेक्टल, जो कि लिबेटर एनाई मसल के ऊपर रहता है, तो इस वजह से इसको पेल्विरेक्टल कहते हैं. यह है पार्क्स क्लासिफिकेशन. पार्क्स क्लासिफिकेशन में ए यू कैन सी द सुपरफिशियल फिस्टुला. बी इज इंटर स्फिंक्टरिक, स्फिंक्टर के बीच में से जा रहा है इसलिए इंटर स्फिंक्टरिक. ये हमारा इंटरनल स्फिंक्टर है, ये हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर के तीन कॉम्पोनेंट्स है, तो इनके बीच में से जा रहा है इसलिए वो कहलाता है इंटर स्फिंक्टरिक. सी है ट्रांस स्फिंक्टरिक, ट्रांस स्फिंक्टर इनको क्रॉस करके जा रहा है तो ये कहलाता है ट्रांस स्फिंक्टरिक. डी है सुप्रा स्फिंक्टरिक, स्फिंक्टर के ऊपर से जा रहा है ये जो रास्ता बन रहा है, तो सुप्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला इन एनो. एंड ई है एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक, देयर इज नो रिलेशन ऑफ स्फिंक्टर, तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला इन एनो कहते हैं. एक इंपॉर्टेंट बात है फिस्टुला इन एनो में, वो है गुडसेल्स रूल. गुडसेल्स रूल ये कहता है अ फिस्टुला विद एन एक्सटर्नल ओपनिंग इन द एंटीरियर हाफ ऑफ एनस विद इन 3 to 3.5 सेंटीमीटर टेंड्स टू बी डायरेक्ट टाइप. And in the posterior half, indirect type or curved, and sometimes horseshoe type. It may communicate with the opposite side. कहने का मतलब ये है कि अगर anteriorly fistula within 3
सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली 3.75 सेंटीमीटर अगर रहता है तो वो डायरेक्ट टाइप होता है, तो वो स्ट्रेट होता है, मतलब जहां पे इंटरनल ओपनिंग होगी वहीं से स्ट्रेट लाइन अगर हम खींच देंगे तो एक्सटर्नल ओपनिंग भी वहीं पे होगी। वेयर एज पोस्टीरियरली ऐसा नहीं होता है, पोस्टीरियरली जो ट्रैक्ट बनते हैं वो कर्व ट्रैक्ट बनते हैं, कर्वी लीनियर ट्रैक्ट इस तरह से कर्व ट्रैक्ट बनते हैं, जो कि दोनों तरफ जब बन जाता है तो उसको हॉर्स शू शेप फिस्टुलाइन नैनो बोलते हैं। अब इसमें प्रेजेंटेशन क्या मिलती है या क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं, इंटरमिटेंट पस डिस्चार्ज या पुरुलेंट डिस्चार्ज विच मे बी ब्लडी, सीरो पुरुलेंट डिस्चार्ज हो सकता है, उसमें प्रेजेंस ऑफ ब्लड हो सकता है, पेन मिलेगा विच इंक्रीजेस अंटिल टेम्पररी रिलीफ अकर्स व्हेन द पस डिस्चार्जेस, देयर इज ऑफन बट इनवेरिएबली अ प्रीवियस एपिसोड ऑफ एक्यूट एनोरेक्टल सेप्सिस दैट सेटल्ड इनकम्प्लीटली स्पॉन्टेनियसली और विद एंटीबायोटिक्स और विच वॉज सर्जिकली ड्रेन्ड। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो एनोरेक्टल एब्सेस जब बताया था तब भी बताया था कि एनोरेक्टल एब्सेस के जो है एक्यूट मैनिफेस्टेशन है और उसी का ही क्रॉनिक सीक्वेल है फिस्टुलाइन एनो। द पैसेज ऑफ फ्लैटस और फीसिस थ्रू द एक्सटर्नल ओपनिंग इज सजेस्टिव ऑफ अ रेक्टल रादर देन एन एनल इंटरनल ओपनिंग, तो ये भी एक प्रेजेंटेशन मिल सकता है। ये एक दिस इज अ केस ऑफ ट्यूबरकुलर फिस्टुलाइन नैनो, जब ये हील हो गया था तो सेकेंड फिगर इज दिस एंड फर्स्ट फिगर जब ये ऑन गोइंग फिस्टुलाइन एनो का केस है, ट्यूबरकुलर फिस्टुलाइन एनो का केस है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ फिस्टुलाइन एनो अलॉन्ग विद आई विल बी डिस्कसिंग एंड आई विल बी शोइंग फ्यू केसेज ऑफ फिस्टुलाइन एनो विच वर मैनेज बाय शारसूत्र थेरेपी विच इज अ वेरी पॉपुलर मैनेजमेंट मोडेलिटी in Ayurvedic science. Stay tuned for more videos. Thank you. Don't forget to like, share and subscribe my channel.